to the video lectures of 9th class computer science. आज हम unit number 1 के lecture number 1 को discuss करेंगे. Unit number 1 problem solving. Chapter का नाम problem solving है. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा introduction बयान करने की कोशिश करूँगा कि problem solving क्या चीज़ है और इस chapter के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में discuss करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा बेसिकली एक ख़ास किस्म की महारत होती है. ये एक ख़ास स्किल होती है कि जिसको हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में जो दरपेश मसाइल होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस स्किल को इस्तेमाल करते हैं. थोड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बयान करता हूँ इसका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं. इसमें बेटा जी हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट वेज को इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ना सिर्फ हम इसकी मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बल्कि हम अपने प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं और प्रॉब्लम्स को ऐसे इफेक्टिव मैनर के अंदर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बेटा जी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, एक बेस्ट सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जा सकता है, हम फ्लो चार्ट्स कैसे बनाएंगे, एल्गोरिथम्स कैसे बनाएंगे, कैसे हम डिफरेंट टेस्ट डेटा की मदद से प्रॉब्लम को बार बार टेस्ट करेंगे और कैसे जो है वो इसके बेस्ट सॉल्यूशन तक हम पहुंच सकते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइनिंग का प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है उसे डिफाइनिंग का प्रॉब्लम कहते हैं. डिफाइनिंग का प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करना है, आपने अपने मसले को बयान करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करना है. एक्चुअली आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा प्रॉब्लम है क्या. अगर मुझे मेरा मसला ही नहीं पता तो उसको सॉल्व मैं कैसे कर सकता हूँ. डेफिनेटली इट विल नॉट बी ईजी फॉर मी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम मुझे मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली है क्या. प्रॉब्लम तो है लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा. बेटे दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. बेटा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती है, जिसमें कोई अभाम नहीं होता है, जिसमें कोई शक नहीं होता है. ऐसा प्रॉब्लम जो कि तमाम एस्पेक्ट्स के लिहाज से, जो कि हर तरह से मुकम्मल तौर पर वाजिया हो आपके सामने, आपको पता हो कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व करना है. मुझे कहा जाता है कि आपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स का जो है वो एक रिजल्ट तैयार करना है कंप्यूटर के ऊपर. सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू मी दैट आई हैव टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर इन टू द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आई कैन ईजिली एंटर द डेटा एंड द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड बाई अप्लाइंग सम ऑफ द फार्मूलाज आई कैन ईजिली एवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो बड़ी आसानी से मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, डेटा एंटर करूँगा और रिजल्ट बन जाऊँगा. तो रिजल्ट बना लूँगा मैं तो ये एक बड़ा ये चीज़ बड़ी वाजह है मेरे लिए, इसमें कोई अभाम नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह दिया जाता है कि जिस प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, जिसमें बहुत सारे अभाम हैं, शक हैं, आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप. तो बेटा जी अगर प्रॉब्लम मेरे पास वेल डिफाइंड ना हो तो मैं क्या करूँगा कि उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाने के लिए मैं कुछ जो है वो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करूँगा, कुछ मेथडोलॉजी इस्तेमाल करूँगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तरीक़ाकार इस्तेमाल करूँगा ताकि उस प्रॉब्लम को सबसे पहले वेल डिफाइंड बनाऊँ. सबसे पहले बेटा जी देखते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज. एक वो पहला ये तरीक़ाकार है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, गेन बैकग्राउंड नॉलेज. यानी मैं क्या करूँगा कि ये प्रॉब्लम किस सिचुएशन के अंदर हो रहा है, ये प्रॉब्लम किन सर्कमस्टांसिस के अंदर हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसके हालात वाक़यात क्या हैं, ये प्रॉब्लम पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आया कि पहले कभी हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व किया गया था, उस वक्त कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई थी, उस वक्त कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, क्या उस वक्त इस्तेमाल किए गए मेथड्स की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था,
क्या उसी वाले सेम मेथड को अब इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मैंने क्या करना है कि इस प्रॉब्लम की जो बैकएंड के ऊपर चीज़ें हैं, इस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने जानना है कि प्रॉब्लम क्यों हुआ है, एक्चुअली पहले कभी हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसकी आगे पीछे की सारी मालूमात मैं हासिल करने की कोशिश करूँगा। अगर आगे पीछे की सारी मालूमात मुझे मिल जाएंगी, इसके सिचुएशंस के बारे में पता चल जाएगा, मुझे सरकमस्टांसिस के बारे में पता चल जाएगा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि जिससे जो है वो एक गुड सोल्यूशन जो है और एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो मैं हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा, कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेयरमेंट्स हैं जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। उसके बाद यूज़ गैसेस, मैं गैस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, गैस किसके लिए करते हैं? गैस मैं हमेशा उस चीज़ के लिए करता हूँ जो मेरे लिए अननोन है, अननोन इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिस टाइम द प्रॉब्लम इज, ठीक है मुझे मालूम नहीं ना, तो ये एक अननोन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? अननोन इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अननोन इन्फॉर्मेशन के लिए गेस करने की कोशिश करूँगा कि हो सकता है कि ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि ये वाली बात हो। अच्छा, ये कौन करेगा? बेटा ये बंदा करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, एक अच्छा प्रोग्रामर होगा, एक अच्छा डेवलपर होगा। वो अपने तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर, अपने जो है वो काबिलियत की बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद के ऊपर, ठीक है, वो क्या करेगा कि गेस करने की कोशिश करेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, मुझे फलां हो रहा है, मुझे फलां हो रहा है, तो वो क्या करता है कि सिम्टम्स को देखकर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर गेस करता है कि शायद इस बंदे को फलां बीमारी है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो गेस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर। बेटा ड्रॉ अ पिक्चर का मतलब होता है कि आपने जो है वो एक तस्वीर जो है वो बना लेनी है, ठीक है, और उस तस्वीर को सामने रखकर जो है वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं डिफरेंट केसेस की, पुलिस की या एजेंसीज की, तो अक्सर आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि एक वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो डिफरेंट, या फिर जो आपका नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स को पेस्ट कर देते हैं पूरे सीन की, कि क्या सीन था, ठीक है, सिनेरियो क्या था, उसके सारे पिक्चर्स को पेस्ट कर देते हैं। अगर वाइट बोर्ड के ऊपर है तो फिर उसे वाइट बोर्ड मार्कर से पिक्चर्स को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस को, डिफरेंट पर्सनस को, या धागे की मदद से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो अपने सामने पूरी तस्वीर का एक खाका बनाकर अपने सामने रख लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इस खाके को देखकर, जो ड्रॉ किया हुआ है उसको देखकर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम मेरी समझ में आ जाए। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे मैं प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। उसके बाद बेटा जी ये फिगर है 1.1, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैन यू सॉल्व दिस? जी बिल्कुल जी, हम इसको सॉल्व करेंगे। हॉर्सेज दिए हैं बेटा जी, 3 हॉर्सेज हैं और उसकी वैल्यू कितनी है? 30। तो उसका मतलब है कि ईच हॉर्स की वैल्यू 10 होगी, यानी 30 पे 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 10। तो एक हॉर्स की वैल्यू क्या होगी? 10 वैल्यू होगी। उसके बाद बेटा जी सेकंड लाइन के ऊपर दिया हुआ है हॉर्स है प्लस हॉर्स शू है। बेटा जी ये 2 हॉर्स शू हैं एक के अंदर और 2 हैं दूसरे के अंदर, यानी सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास हॉर्स है प्लस 2 हॉर्स शू और प्लस फिर 2 हॉर्स शू, मतलब 4 हॉर्स शू हैं। हम जानते हैं कि हॉर्स की वैल्यू 10 है, तो 18 में से 10 माइनस करूंगा तो आंसर क्या क्या आएगा? 8 आएगा ना, तो उस 8 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हॉर्स शू जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, तो हमारे पास जो है वो 4 हॉर्स शू हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो गई है? 8 वैल्यू हो गई है। लाइन नंबर 3 के अंदर उसने क्या जी 2 हॉर्स शू हैं माइनस जो है वो उसने एक जो है वो एक बूट दिया हुआ है, एक शूज़ है, ठीक है, तो 4 माइनस 2 करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो उसका मतलब ये है कि एक शू की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। तो मतलब 2 हॉर्स शू हैं, उसमें से 2 शू जो हमारे पास दिए हुए हैं लाइन नंबर 3 में, उनको माइनस किया तो आंसर मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब ये कि एक शू की वैल्यू 1 है और एक हॉर्स शू की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाले में दिया हुआ है एक शू है प्लस हॉर्स है और प्लस हॉर्स शू है, तो हम डीमैज के रूल को फॉलो करेंगे। हॉर्स की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय, और हॉर्स शू की वैल्यू 2 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो गया, और 20 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 21 आ जाएगा। तो बेटा जी ये जो हमारे पास एक रिडल दी हुई है उसने, इसका जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। यहाँ पर बेटा जी उन्होंने दिया हुआ है डू यू नो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाता है किसी मसले को हल करने के लिए, ठीक है, कि एक प्लैनेट है मैंने उसको बचाना है, तो मैं 59 मिनट्स प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट उसको सॉल्व करने में लगाऊंगा,
अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट आई वुड स्पेंड 59 minutes डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 minute रिजॉल्विंग इट. इट मीन्स दैट इन दिस द अल्बर्ट आइंस्टाइन बेसिकली स्टेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि वो मसले को बयान करने की, डिफाइन अ प्रॉब्लम की अहमियत को बयान कर रहा है कि भाई मेरे पास एक घंटा तो मैं उसमें से 59 minutes उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा, यानी डिफाइन हो गया तो उसके लिए सॉल्व करना मेरे लिए सिर्फ एक ही मिनट का काम है. तो इससे हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम की जो अहमियत है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो आप उस बात को अल्फाज की मदद से कहने के बजाय अगर आप उसको किसी तस्वीर की मदद से, पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी. यानी पिक्चर्स को देखकर समझना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा जो है वो आसान होता है. ये था बेटा जी हमारा आज का पहला लेक्चर. इंशाल्लाह आपसे जो है वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.